हेलो गाइस, आर ओजा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, क्या आप जानते हैं घिये की सब्ज़ी कैसे बनती है? तो बने रहिए, पूरा प्रोसेसर बताऊंगा एंड तक बन रही है साथ में इस वीडियो में। चले चलते हैं आगे। वेल गाइस, आगे और भी बताता हूँ। कटिंग हमने तैयार कर लिया सब्जी की। चलिए चलते प्रोसेसर चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, बताता हूँ कैसे करना। वेल गाइस, हमने चूल्हा चला लिया है, जो हम फ्राई पैन रख देते हैं और इसमें हम डालेंगे फ्रेश रिफाइंड डाल रहे हैं। फ्रेश रिफाइंड डालने के बाद फ्रेश रिफाइंड को थोड़ा पक ले देते हैं, पूरा पक जाए, थोड़ा लाल हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे घी की सब्जी और फ्राई करके बनाएंगे, बना रही है साथ में। वेल गाइस, हमारा फ्रेश जो हमने रिफाइंड डाले हैं थोड़ा पक चुका है और इसमें हम भी जो घी है सब्जी काटी थी हमने गोल गोल, सबसे पहले हमने इसको फ्राई कर लेना है। पूरा फ्राई हो जाए, थोड़ा पक जाए, लाल हो जाए, इस तरह आपको प्रोसेस पूरा और बताऊंगा आगे बन रही है साथ में। थोड़ा इसमें हल्का हल्का हाथ चलाना है हमारे, ये थोड़े जो हमने भी डाले थे थोड़ी देर पहले सब्जी घी की, इसको थोड़ा कैसे पका लेना है, हल्के ब्राउन हो जाए इसको निकाल देना है। बन रही है साथ में को पूरा प्रोसेसर है तक बताऊंगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ में शेयर भी जरूर कर देना। इसको हम सब ऐसे ना जितने भी है ना सब्जी को पूरा निकाल देना है। गाइस, हमारे हमने जो घी की सब्जी डाली है इस तरह पूरी लाल हो जानी चाहिए, पकने चाहिए, तभी आप निकालो और बनाने के बाद इसका टेस्ट तभी लगेगा, ताकि थोड़ा ये सेके हुए अच्छे होने चाहिए, इतना लाल बट ब्रिकिश हो जानी चाहिए, फिर इसके बाद उसको निकालना चाहिए, नहीं तो इसमें पूरा ऑयल भरा रह जाएगा। इस तरह पकने के बाद इसमें जो ना ऑयल ना बिल्कुल रहेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है ना, ऑयल खींच लेता है। इसको हम एक एक करके वही जैसे सबको निकाल देते हैं। वेल गाइस, दो तीन प्याज लेने चाहिए, चार टमाटर लेने चाहिए, इसको कटिंग कर लेते हैं। वेल गाइस, ये कटिंग हमने तैयार करके रख दिए, पीछे हमने फ्राई कर दिए थे अपने घी की सब्जी। अब वेल गाइस, चूल्हा हमने चला लिया है, उसको हम ये रख देंगे, कढ़ाई रख दी, थोड़ा रिफाइन डाल देते इसमें, और ये हमने इसमें मसाला सेकना है। मसाला सीखने के बाद आपको पूरा प्रोसेसर बताऊँगा एंड तक बन रहेगी साथ में, ठीक है, बिना काटे मिक्स करके, नहीं तो आप जान नहीं पाओगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ साथ में बेल आइकन बटन भी दबा देना। प्याज को पूरा पकने देते हैं, थोड़ा हल्का ब्राउन होने देते हैं, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। प्याज हमने डाल देते हैं कढ़ाई में, इससे हल्का ब्राउन होने दो। हल्का ब्राउन होने के बाद फिर हम टमाटर रोक देंगे, तो उसके बाद जो हम घी की सब्जी बता रहे थे मसाला घिया सब्जी, तो इसमें डाल देंगे। बन रही है साथ में इनका, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये हमारा टमाटर इसमें हम झोंकने वाले हैं, हमारा प्याज पूरा ब्राउन हो चुका है, इसमें हमने पूरा टमाटर डाल दिया, तो हम मिक्स कर लेते पूरा बढ़िया से। इसमें हम डालेंगे मसाला, डेढ़ चम्मच हमने डाल रहे हैं मिक्स वेज मसाला, फिर डालना है डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, फिर इसमें हमने डालना है स्वाद अनुसार नमक, डेढ़ चम्मच डालना है स्वाद अनुसार नमक, फिर इसको बढ़िया से हमने सेकना है। इसमें डालना थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर पक भी जाए और नीचे जले भी नहीं। मैं तो ज़्यादातर अपने जो घर में सब्जी बनाता हूँ अपने हाथ से कटिंग करता हूँ सब्जी की, प्याज टमाटर कुछ भी हो, मिक्सी ग्राइंडर का भी यूज़ करता हूँ मैं तो, साथ आप लोग भी यही यूज़ कर रहे हैं। वेल गाइस, मैं एक राय दे सकता हूँ, वेल मॉडर्न ज़माना है, आजकल मशीनों का ज़माना है, हाथ से कौन काम करता है बना। इसको पूरा पकने देते हैं पेस्ट को, इसके बाद इसमें डालेंगे
घी की सब्जी बन रही है साथ में ऐड कर। हमारे ये टमाटर ऐसे पक चुके हैं पूरे, पूरा हमारा बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया है। जो मसाला मिक्स कर लिया हमने पूरा बढ़िया तरीके से, और गाइस ये बिल्कुल रेडी है हमारा घी मसाला सब्जी जो बनाया हमने बिल्कुल तैयार है। और सबसे पहले हमने जो हमने घी जो फ्राई करा था अब इसमें हम डाल देंगे, ये घी है इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा चलाते हैं, धीमी आंच पे इसको 5 मिनट तक सेकने देते हैं ताकि ये बढ़िया से रेडी हो जाए। थोड़ी देर इसको हम कवर कर लेते हैं ताकि पक जाए और बढ़िया से। गाइस हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई तैयार खाने के लिए। जस्ट आपके लिए मैं बता रहा हूँ ये सब्जी हमारी बिल्कुल ये पक चुकी है। वेल गाइस सब्जी मेरी बिल्कुल पक चुकी है, खाने के लिए परोसने के लिए तैयार है हम, जस्ट परोसने वाले हैं प्लेट में। वेल गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अगर इस तरह के वीडियो पसंद है तो और आगे बना के लाऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।